Hello students, so in this video we are going to see the XOR gate by using the PLC kit and ladder diagram program. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं XOR gate के लिए जो symbolic representation वो यहाँ पे देख सकते हैं animation में. इसका input XOR gate के लिए input हम जब देंगे A plus B, तो input यहाँ पे देख सकते हैं ladder diagram पे भी. तो input देने के बाद दोनों input सिस्टम इनपुट वन को जीरो और टू को जीरो देने के बाद आउटपुट जो मिलता है वो जीरो मिलता है. उसके बाद ट्रुथ टेबल पे हम देखेंगे जीरो इनपुट स्विच ए के लिए जीरो, स्विच बी के लिए वन, तो आउटपुट हमको मिलेगा वन. इसी तरह सेकंड थर्ड टेबल पे यहाँ पे हम देखेंगे कि इनपुट जो दिया गया है वन दिया गया है और आउटपुट जो है जीरो है, तो आउटपुट जो आया यहाँ पे वन आ गया है. और नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इनपुट दोनों भी वन दिए गए हैं तभी आउटपुट हमको जीरो मिल रहा है. तो इसके लिए लैडर डायग्राम भी चेक करेंगे और उसके डिटेल्स देखेंगे आगे वीडियो में. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अभी नॉट एंड और गेट कैसे वर्क करते हैं. अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्स और गेट कैसे वर्क करता है. एक्स और गेट के लिए पहले अभी न्यू फाइल ओपन करके उसके लैडर डायग्राम के लिए हम न्यू फाइल ओपन करेंगे. न्यू फाइल ओपन करने के बाद उसमें और एक रंग ऐड करेंगे. तो रंग ऐड करने के बाद इसमें हमें एक ब्रांच लेना है. ब्रांच लेने के बाद इसमें अभी एक ओपन और क्लोज स्विच ऐड करना है. अभी ये ऑन स्विच हमने लिया है, एक ऑफ स्विच. इस तरह से एक्सओआर गेट में क्या करना है, अभी यहाँ पे पहले एक ऑफ स्विच एक ऑन स्विच ऐड करना है और आउटपुट एनर्जाइज यहाँ पे ऐड करेंगे. तो इसके लिए यहाँ पे इनपुट सेमीकोलन जीरो स्लैश जीरो. तो ये जो है इनपुट है कैप्स लॉक इनपुट ए. ओके, तो दूसरा जो है इनपुट बी है इनपुट सेमीकोलन जीरो स्लैश वन एंटर. यहां पे इनपुट जो है वो बी इनपुट है, तो यहाँ पे तीसरा इनपुट जो है इनपुट सेमीकोलन जीरो स्लैश जीरो, तो इसको हम फिर से इनपुट ए देंगे, नाम वही रहेगा. और उसके बाद इनपुट सेमीकोलन जीरो स्लैश वन एंटर, ये इनपुट भी रहेगा. तो उसके बाद दो स्विच ऑन है, दो स्विच ऑफ यूज किए हैं इस प्रोग्राम में एक्स और गेट के लिए. और आउटपुट एनर्जाइज के लिए आउटपुट सेमीकोलन जीरो स्लैश जीरो. ओके, तो आउटपुट यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या आउटपुट आता है. तो जो प्रोग्राम है ऑफलाइन मोड पे है, इसे अब डाउनलोड करना है. डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे नाम क्या देंगे, एक्स और गेट एंड रिप्लेस कीजिए अगर पहले से ही होगा तो यस. अभी प्रोसेसर जो है यहाँ पे पीएलसी है जो रन मोड पे है, हमें क्या करना है प्रोग्राम मोड पे है लाना है और इसे ओके प्रेस करना है. सेम प्रोसीजर रिपीट करना है यहाँ पे प्रोग्राम मोड पे ओके कहना है. अभी प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है, पीएलसी को प्रोग्राम भेज दिया गया है, अभी स्टोर होगा. देन एस प्रेस करने के बाद अभी प्रोग्राम मोड से हमें एग्जिट होना है. ओके, प्रोग्राम मोड से एग्जिट होने के बाद रन पे क्लिक कीजिए. अभी रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पीएलसी किट पे क्या किया है, अभी रन मोड पे ऑन किया गया है.
तो आप रेल देख सकते हैं, ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है अभी हम इसका ट्रूथ टेबल चेक करेंगे। ट्रूथ टेबल चेक करने के लिए XOR गेट के लिए हम देख सकते हैं इनपुट क्या है, 0 0 है इनपुट, यहाँ पे दिया गया है अभी 0 0 है, अभी दिया गया नहीं है, ये दोनों ऑन स्विच है, दोनों ऑफ स्विच है। आउटपुट यहाँ पे अभी 0 दिख रहा है, 0 0, आउटपुट भी 0 है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें इनपुट जो है, तो अभी आप देख सकते हैं कि इनपुट यहाँ पे दो जो है क्लोज स्विच दिए हैं, दो ओपन स्विच दिए गए हैं। तो इनपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ट्रुथ टेबल के लिए जब 0 0 होगा, इनपुट 0 0 होगा, तो आपको इनपुट जो है, आउटपुट जो है वो 0 मिलेगा। तभी मैं क्या करता हूँ, इसके लिए इनपुट जो है, इनपुट एक इनपुट दे देता हूँ। तो इनपुट देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्विच यहाँ पे ऑन किया गया है और दूसरा भी यहाँ पे ऑफ, जो क्लोज स्विच था वो भी ऑन किया गया है। दोनों स्विच ऑन होंगे तभी ये इस ब्रांच से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट ग्रीन कलर का दिखाई देगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है इनपुट क्या है, इनपुट यहाँ पे 0 है, 0 0 का इनपुट यहाँ पे 0 है, और 1 का इनपुट हमने 1 दिया गया है। यहाँ पे 1 देने के बाद 0 1 1 मिल गया, यहाँ पे क्या मिला, 0 1 1 मिल गया। तभी मैं ये स्विच क्या करता हूँ, स्विच जो है अभी चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड जो है इनपुट यहाँ पे ए जो है यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे इनपुट